मतलब कैंसर के बाद हार्ट की डिजीज भी दोगे क्या? कुछ तो दया करो लड़की पे, इस हारी क्या है? क्या है? मुझे लगून लीची है। किसी ने ऐसा बच्चा देखा है कहाँ गया, जिसके एग्जाम चल रहे हो और उसको पढ़ाया जा रहा हो और ये रो रहा है कि मेरे को पढ़ना नहीं, मेरे सेटिस्फेक्शन। हेडलाइन, ममता ने मना किया चाय पीने से, ममता ने किया इनकार चाय पीने से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है ट्यूसडे, बज रहे हैं सुबह के 9 और सब सो रहे हैं। वीरिका उठी थी, वीरिका फिर सो गई और फिर उठ गई मेरी आवाज़ से। मैं बना रही हूँ यहाँ चाय और आज मुझे कुछ बाहर के काम है, तो चलो फटाफट काम करके निकलूँ मैं बाहर। एंड मेरी आवाज़ देख रहे हैं, माइग्रेन होने पे मेरी आवाज़ कैसी होती है और न होने पे कैसी होती है। जान चली जाती है इस पेन में बाबा, जान चली जाती है। उठ गई, सो गई थी फिर से। हैं, पियोगी दूध कॉफी? पियोगी? बोलो, उठो फिर, उठा लिया करो ना मुझे अगर जल्दी उठ जाती हो तो। मैं पियो, ब्रिजेश पकड़ना तो उधर रखना, आपकी चाय है, पीयू, पीछे रखा है। ओ वीरा कुटा, उठोगे नहीं? उठोगे हैं? नहीं उठोगे? नहीं उठोगे? और कितनी देर सोओगे? पढ़ाई भी तो करनी है। उठो बेटा। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की दो लाइनें। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़कर बस दूसरों के लिए आईने हैं। ओ भाई, लगे काम पे, आज बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है। उठ वीरा। मैं माइग्रेन के बाद ऐसे 2-3 दिन इतनी बीमार बीमार दिखती हूँ ना कि पूछो मत, पर अभी भी हूँ मैं। अभी मैं पूरा काम ख़त्म करके तैयार होके बैठी हूँ, नाश्ता ही कर रही हूँ, अब मैं जाऊँगी बाहर। पर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले जा सकूँ, तो मैं ब्रजेश को रिक्वेस्ट करूँगी साथ में चलने के लिए, क्योंकि मेरा नहीं पूरा ये और ये इतना पेन कर रहा है। वो पेन होता है ना हार्ट अटैक से पहले आता है, जो या बोलते हैं कि ये एक तरीके के सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, वैसा वाला दर्द हो रहा है मुझे। मुझे चिंता भी हो रही है कि भगवान अब मतलब कैंसर के बाद हार्ट की डिजीज भी दोगे क्या? कुछ तो दया करो लड़की पे, सारी सारी मुसीबतें सारी बीमारियां मेरे ही सर पे डालोगे। थिंक पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा, कैसे भी यार छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, सोचना तो पड़ता ही है। नहीं नहीं, इधर ही बैठ के करो, इधर बैठ के करो, उतार दूंगी, इधर बैठ के करो। वीरिका, मेरे आने से पहले चारों क्वेश्चन इसके हो जाने चाहिए और तुम्हारा फिर से एक बार पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। बाय, टाटा, गुड नाइट। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। Thank you.
तुम बताओ क्या है? ये बताएगी क्या है? क्या है? मुझे नहीं पता। लगून लीची है, बट मैं लाई नहीं क्योंकि फ्रेश नहीं थी। फ्रेश होती है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, बट ये बहुत ही बेस्वाद लग रही है। खा के देखो पुरानी। ऐसे नहीं, अजीब सी बदबू आ रही है। मुझे तो स्मेल नहीं आ रही। आई ओनली स्मेल। खाओगी तब तब आएगी। चीज स्मेल इसका अच्छा नहीं है। नहीं है ना, लीची का बहुत फ्रेश होता है ना। ये फ्रेश तभी तो नहीं ली, एक बार लाए हैं। मैं टाइट हूं। ये उठाना कचरा, उधर डालना। क्यों लेके आई? मतलब किसी ने ऐसा बच्चा देखा है? कहाँ गया? जिसके एग्जाम चल रहे हो और उसको पढ़ाया जा रहा हो और ये रो रहा है कि मेरे को पढ़ना नहीं, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे सामने वो लास्ट के चार क्वेश्चन करो। फिर मैं फिर शाम तक मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आओ आ जाओ, चलो गुड बॉय बनो। आ जाओ आ जाओ बेटा, गुड बॉय बनो। नहीं डन, ब्रेक काहे का? सुबह से तुम सो रहे हो, 12 बजे तुम उठे हो। मेरे जाने से पहले सिर्फ तुमने 2 सम किए हैं और तुम कह रहे हो ब्रेक चाहिए। ऐसा नहीं होगा, तुमको करना है। नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, नहीं कर, मत करो, मत करो, नहीं करो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही, नहीं कर रही। मेरा राजा बेटा मान गया, करेगा करेगा ना, गुड बॉय है ना, है ना। थोड़े दिन बचे ना एग्जाम के बाद, इधर देखो फिर तो मस्ती मस्ती है ना, करेगा ना। पीर को पढ़ा के जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो अब जा रही हूँ मैं बनाने खिचड़ी ब्रजेश के लिए, क्योंकि आज ट्यूसडे है। बट उससे पहले डिमांड आई है कि चाय पिलाओ। और आज की सबसे मुख्य खबर कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं सिर्फ ब्रजेश के लिए बनाऊँगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है चाय पीने का, ऐसा कभी नहीं होता है बट आज हो रहा है। हेडलाइन, ममता ने मना किया चाय पीने से, ममता ने किया इनकार चाय पीने से। चलो भाई, चाय और खिचड़ी तो बन गई, तो मैंने सोचा चलो जब किचन में खड़े ही हैं तो थोड़ा सा और काम कर लिया जाए। तो सुबह इसको जलाया था, अब इसी का भत्ता बनाऊंगी। इंसान तो मिल नहीं रहा भत्ता बनाने के लिए, तो बैगन ही सही। भरता बना ही रही थी तो मुझे लग रहा है कि मैं बच्चों के लिए भी कुछ बना लूँ। चीज़ पास्ता बना दूँ तुम दोनों के लिए? नहीं, मुझे लग ही रहा था तुम मना करोगे। फिर क्या खाओगी? भरता भी नहीं खाओगी तुम, फिर क्या खाओगी? बोलो जल्दी बोलो, इतना सोचने का टाइम नहीं है। दोपहर के खाने का क्या, लंच का क्या? मैं 7 बजे से पहले मैं किचन में घुसूंगी नहीं। अब और क्या है बताइए? वही तो, ऑप्शंस ही तो नहीं है। इतना सब कुछ लेके आई उसके बाद भी ऑप्शंस की कमी है। हाँ, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। राइस का कुछ नहीं बना कुछ लेके और? हाँ वेरी गुड, पोमोग्रेनेट है, कर्ड राइस बेस्ट। चलो डन हो गया सॉन्ग। चलो राइस निकालो, राइस का डब्बा निकालो। और सेम थिंग से कमिंग। ओह सॉरी, कम अगेन, बोलो बोलो बोलो, हां बोलो बोलो। मिसेस एंड मिस, तुम्हें पता है मिसेस कौन कहलाती है? जिनकी शादी हो रखी होती है। ओह हाय मिसेस। हां तो तुम अपने आप को कह रही हो दिस इज हाउ मिसेस केनिका सॉल्व द प्रॉब्लम? आई डिडंट नो दैट। तो
वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम कह रही हो नहीं दोनों एक ही होता है। देखो ये है हमारे पढ़े लिखे बच्चे। चलो आधे घंटे में। This is how Miss Sweta sounds the problem. Yes, correct. सही में यार मुझे आज काम नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है बैक और फ्रंट में। फिर भी काम खत्म तो करना ही है। पीहू मुझे कर्ड राइस के लिए अनार, एक चाकू, एक प्लेट दो देना, एक मेरे खाने के लिए भी दे देना। हाँ ला दे एक बाउल, अरे एक टिश्यू पेपर भी देना। छिल जाएगा तो बुलाऊंगी, जब तक इधर बैठ के अपनी लेके आओ बुक, इधर बैठ के रिवीजन करो मेरे सामने, ठीक है? या फिर दो मिनट खड़ी रहो, कुकर को दो सीटी आ जाए तो बंद कर देना। आज इनको पढ़ा पढ़ा के मैंने इनकी रेल निकाल दी। इसको कन्नड़ा ऐसा पढ़ाया है ना कि पूरे साल भर नहीं पढ़ाया होगा ऐसा कन्नड़ा पढ़ाया है। और इसकी हिंदी है अभी भी बाकी है, एक लास्ट टाइम पूछना बाकी है ना? नहीं पर आज मेरे भी हाथ दुख रहे हैं क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चों के भी एग्जाम है सर पे, सबको लिख लिख के पेपर बना के दिया ना पूरा हाथ। ये सुबह यहाँ दर्द हो रहा था, अब यहाँ भी दर्द हो रहा है। अब मैं दोनों हाथ मेरे गए, मैं बनने वाली हूँ ठाकुर, बिना हाथ वाली ठाकुर। बट ठीक है, थोड़े दिन की बात है, एग्जाम है तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं आई थी बाय बोलने के लिए, बकवास करने लगी मैं। चलो यार मैं इसी के साथ करती हूँ अपना व्लॉग, यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। गूंगे तू क्यों खड़ा था चुपचाप?